नवरात्र के आठवें दिन को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्ञान की देवी माँ अष्टभुजा नंद के घर पैदा हुई और पापी कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत पर वास कर भक्तों को अभय प्रदान कर रही है। पापों का संहार करने वाली माँ के पैरों में कंस की अंगुलियों के निशान आज भी मौजूद है। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित विद्या की देवी माँ सरस्वती रूप में माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जब जब पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य बढ़ा है, तब तब आदि शक्ति ने के नाश के लिए अवतार लिया है। असुरों के भय से नर और नारायण को मुक्ति दिलाने वाली माँ के विभिन्न रूपों में एक रूप माता अष्टभुजा का भी है। माँ के अवतार लेने के बारे में मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा तस्थो नाशिनी यामी विंध्याचल निवासिनी। द्वापर में पृथ्वी पर कंस के बढ़ते अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए बाबा नंद के घर सातवें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर महामाया ने अवतार लिया। अपनी मौत के डर से कंस ने जब नन्ही बच्ची को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो उसके हाथों से छूटकर बच्ची ने अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। पापी कंस ने कहा, हे दुष्ट, तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ये कहकर देवी विंध्य पर्वत पर आकर विराजमान हो गई। माँ के बाएं पैरों पर आज भी कंस की अंगुलियों के निशान मौजूद हैं। माँ अष्टभुजा ज्ञान की देवी है, इनका दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जी पंडित जी, आज अष्टमी है, किस रूप में माँ की पूजा की जाती है, क्या विधि है पूजा की? जय माँ विंध्यवासिनी, मैं अनुपम महाराज विंध्याचल से। आज नवरात्र का आठवां दिवस अष्टमी, आठ भुजाओं वाली माँ दुर्गा को जाना जाता है। अष्टमी के दिन अर्थात सिंह पर सवार आठ भुजाओं से सशस्त्र भगवती का स्वरूप है माँ दुर्गा का, अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है। माँ अष्टभुजा ये वही है जो ज्ञान की देवी कही जाती है, अर्थात जिन्हें महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जाना जाता है, अर्थात जिन्हें सरस्वती के रूप में माना जाता है, ये वही भगवती आठ भुजाओं वाली है जो कंस के हाथ से छुटी थी, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तमी में है, नंद गोपाल गृह जादा यशोदा गर्भ संभवा चतुर्थ श्यामी विंध्याचल निवासिनी। अर्थात नंद के घर में जल लेने के बावजूद भी भगवती ने जब कंस के यहाँ गई और कंस ने माई के पैर को पकड़कर आकाश में पटकना चाहा जमीन पर, तो माँ वहाँ से आकाश मार्ग पे प्रकट हो गई उसके हाथ से छूटकर, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवती ने युद्ध नहीं किया बल्कि ज्ञान की बातें करके और चेतावनी देते हुए वहां से अदृश्य होके और बिंद स्थान बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासिनी योगिनी योग मायाम त्वाम चंडिके प्रणाम्यम, अर्थात भगवती वहां से चली और अष्टभुजा आकर के विराजमान हो गई। आप आज भी जाइए अष्टभुजा दर्शन करिए तो माई के बाएं पैर पर कंस के उंगलियों का निशान आज भी पत्थर की आकृति पर पड़ा हुआ है, अर्थात ये कृष्ण की वह बहन है जो सहचारिणी के रूप में कृष्ण की रक्षा के निमित्त माँ विंध्यवासिनी के कृपा से ही जा करके यशोदा के यहाँ जन्म ली थी, और यह भगवती की कृपा मात्र से ही भगवती की अंश माँ अष्टभुजा है जो सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। आज के दिन इनको यदि नारियल का भोग और भेंट लगाया जाए तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, धन दान ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति कराती है। माँ को नारियल की बनी मिठाई का भोग एवं नारियल से बना खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ को सफेद मिष्ठान आज के दिन चढ़ाना चाहिए और माँ को सुंदर लाल वस्त्र एवं भगवती को त्रिशूल चक्र व शंख का आज के दिन दान करना चाहिए मंदिरों में, जिससे भगवती क्या वो शस्त्र रहे और उसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। गर्ग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माता विंध्यवासिनी ने हजारवीं अंश से योग माया के रूप में नंद के घर अवतरित हुई। पापी कंस के बोझ से पृथ्वी को भार मुक्त किया। माता के दरबार में मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तों को असीम खुशी मिलती है। भक्त सब कुछ भूलकर बार बार दयामयी माता के दरबार में आने, माँ की ममतामयी कृपा पाने की कामना रखते हैं। पिछले कई सालों से लगातार माँ के दरबार में आने वाले भक्त अपनी सारी उपलब्धि को माँ का आशीर्वाद मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पांडे है। क्या महत्व है और आप ही कहाँ से आए हैं? देखिए, हम तो
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के खड्डा परिक्षेत्र से आते हैं और अष्टमी के दिन तो विशेष महत्व है माता जी का। अष्टमी के दिन जैसे कि कहा भी गया है, सप्तशती के कवच में ही यह बात कही गई है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिः। माँ के नौ स्वरूपों का जो वर्णन हुआ है उसमें जो माँ का आठवां स्वरूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन माता का अष्टभुजी देवी का दर्शन पूजन सबके लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी होता है। आप भी दर्शन करने जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या कर रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार लग रहा है। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और अष्टभुजा में दर्शन करके हम धन्य हो गए और हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे ही भक्तों का तांता लगा रहे और यह माँ विंध्यवासिनी का धाम जो है आदिकाल से अमर है और अमर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनादिकाल से ही विंध्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी भावना का शक्ति पुंज विश्व कल्याण के लिए सदैव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। ज्ञान की देवी का दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है और उनकी सारी मनोकामना